Edify TV, transforming thoughts, empowering life. Hi, today we will cover a new concept called as you sow. बचपन में हम सब लोगों ने एक प्रोवर्ब सुना था, एज यू सो सो शैल यू रीप. टुडे वी विल अंडरस्टैंड द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोवर्ब. लेट अस टेक एन एग्जांपल. एग्जांपल में एक माली है, वो रास्ते पे चलते रहता है. चलते चलते उसे एक प्लास्टिक की थैली मिलती है. प्लास्टिक की थैली के अंदर कुछ बीज मिलते हैं. माली ने ये बीज कभी देखे नहीं है, तो माली वो बीजों को लेता है, प्लांट कर देता है, पानी डालता है, फर्टिलाइजर डालता है, उनका अच्छे से ख्याल रखता है. कुछ महीनों बाद बीजों को पेड़ लगते हैं और पेड़ों को फल लगते हैं. माली को तीन टाइप के फ्रूट्स मिलते हैं. सबसे पहला फ्रूट मिलता है ब्राउन कलर का, अंडे के शेप का होता है. माली को नहीं मालूम है यह फल कौन सा है. दूसरा फल मिलता है ऑरेंज कलर का, थोड़ा स्पॉन्जी होता है. माली को ये भी नहीं मालूम है ये फल कौन सा है. और तीसरा फल मिलता है जो पहले हरा होता है, बाद में पीला बन जाता है. माली को ये भी नहीं मालूम ये फल कौन सा है. तो माली तीनों फलों को लेता है और मार्केट में बेचने के लिए बैठ जाता है. माली जैसे ही पहला फल बेचता है, पहले फल के माली को 5 रुपए मिलते हैं. माली बहुत खुश हो जाता है. माली पूछता है ये क्या है, तो लोग उसको बोलते हैं साहब ये चिक्कू है, चिक्कू. तो माली को पता चलता है चिक्कू का प्राइस 5 रुपया. फिर माली सेकंड फल बेचता है, दूसरे फल का माली को 10 रुपया मिलता है. माली और भी खुश. माली बोलता है ये क्या है, तो लोग उसको बोलते हैं ये संतरा है, ऑरेंज. तो माली बोलता है 10 रुपया क्यों, तो लोग उसको उसका बेनिफिट बताते हैं कि इसमें विटामिन सी ज्यादा होता है, लोग उसका जूस बना के पीते हैं. उसके बाद माली तीसरा फल बेचता है. एनी गेसेस? एक फल के माली को 50 रुपए मिलते हैं. माली बहुत शॉक में आ जाता है. माली बोलते 50 रुपए क्यों, तो लोग उसको बोलते हैं साहब ये मैंगो है, मैंगो ये फलों का राजा है, इसका बहुत डिमांड है. माली को पता चल जाता है कि मैंगो का डिमांड 50 और चिक्कू का डिमांड 5. माली घर पे आता है, रिसर्च शुरू कर देता है मैंगो कैसे उगाने का, कौन सी मिट्टी चाहिए मैंगो को, कितना पानी चाहिए, कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए, ये सब के ऊपर काम करता है. एक दिन माली ऐसे ही चलते रहता है. चलते चलते उसको वापस एक प्लास्टिक की बैग मिलती है, और इस बार भी उसे कुछ सीड्स मिलते हैं. माली ये सीड्स को लेता है, वापस प्लांट करता है, बट पूरी तैयारी इस बार मैंगो की करता है, क्योंकि मैंगो की डिमांड ज्यादा है. कुछ महीनों बाद बीजों को पेड़ लगते हैं और पेड़ों को फल लगते हैं. इस बार माली देखता है कि मैंगो की तैयारी करने के बावजूद उसे चिक्कू मिल रहे हैं. माली सोचते बैठ जाता है कि मिट्टी मैंने मैंगो वाली यूज की, पानी जितना मैंगो चाहिए उतना डाला, फर्टिलाइजर भी जितना मैंगो को चाहिए उतना दिया, फिर भी मैंगो क्यों नहीं आ रहा है, चिक्कू क्यों आ रहा है. तब जाके माली को रियलाइज होता है कि जो सीड इसने प्लांट किया था वो मैंगो का था ही नहीं, वो चिक्कू का था. अभी आप सोचते रहोगे कि माली कितना स्टूपिड है, स्टोरी कितनी स्टूपिड है. चिक्कू का सीड लगा के मैंगो का पेड़ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, राइट? एग्जैक्टली. हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, ये हमारे सीड्स हैं. अगर चिक्कू के सीड से मैंगो नहीं आ सकता, तो ऑर्डिनरी थॉट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं आ सकते. हम सब लोग एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे सबको अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, सबको मेहनत करने का मौका मिल रहा है, बट सब लोग सेम रिजल्ट्स नहीं पा रहे, क्योंकि सबके बिलीफ सिस्टम्स, सबके थॉट्स अलग अलग है. सी प्लीज नोट, जमीन सेम होती है, पानी सेम होता है, फर्टिलाइजर भी ऑलमोस्ट सेम होता है, बट जैसा सीड होता है वैसा ही पेड़ आता है और वैसे ही फल लगते हैं. सिमिलरली हम सब लोग सेम कंट्री में हैं, सेम सिटी में हैं, कुछ लोग सेम कंपनी में काम करते हैं, कुछ बच्चे सेम स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे एनवायरमेंट सेम होता है,
कंडीशन सेम होते हैं, सिचुएशंस भी सिमिलर होते हैं, बट सबके सीड्स, सबके थॉट्स, सबके बिलीव्स अलग अलग है, और जैसे थॉट्स, जैसे बिलीव्स, वैसे डिसीजंस, वैसे एक्शंस एंड वैसे रिजल्ट्स। तो अगर आपको लगता है कि आज लाइफ में जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा, इसका मतलब आपके जो करंट थॉट्स हैं वो ठीक नहीं हैं। हम सब लोग लाइफ चेंज करने के लिए ना बाहर चेंजेस करते हैं, सिचुएशन चेंज करने की कोशिश करते हैं, बट बाहर चेंज करके, सिचुएशन चेंज करके कुछ नहीं होता जब तक चेंजेस अंदर ना हो। सबसे पहले चेंज होते हैं थॉट्स, फिर हैबिट्स, फिर एक्शंस, और फिर आते हैं नए रिजल्ट्स। सो रिक्वेस्ट है, जस्ट फाइंड आउट फ्रॉम वेयर आर यू गेटिंग योर थॉट्स। आपके माइंड में जो अभी के थॉट्स हैं या जो नए थॉट्स आने वाले हैं, ये कहां से आ रहे हैं? यू विल ऑब्जर्व कि थॉट्स आते हैं अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने वर्क ग्रुप से, न्यूज़पेपर से, टेलीविजन से, इंटरनेट से। नाउ जस्ट फाइंड आउट कि जो थॉट्स आपको मिल रहे हैं, इसमें से कितने थॉट्स आपके लिए हेल्पफुल है। आप ऑब्जर्व करोगे कि 90% थॉट्स ट्रिवियल है, बहुत सारे तो नेगेटिव है, और बहुत सारे ऐसे जिसकी जरूरत ही नहीं है। तो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे, टीवी चैनल देखोगे, इंटरनेट पे चैटिंग करोगे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस पढ़ोगे, यू विल ऑब्जर्व दैट वॉट एवर थॉट्स आर गिवन टू यू, वेरी फ्यू आर हेल्पफुल, 90% ऑफ देम आर ट्रिवियल। तो अगर 90% ट्रिवियल थॉट्स आएंगे तो लाइफ में ट्रिवियल चीजें ही होंगी, लाइफ में कुछ चेंज नहीं होगा। माय रिक्वेस्ट इज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर थॉट्स। अगर आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है तो किसी बड़े आदमी का बायोग्राफी पढ़िए, समझिए वो क्या सोचता है, और उस लेवल के थॉट्स आप अडॉप्ट कीजिए, आप अपने लाइफ में वैसे थॉट्स अप्लाई कीजिए, और आप देखेंगे कि आपके डिसीजंस, आपके हैबिट्स, आपके एक्शंस चेंज होंगे, एंड दैट विल गिव यू न्यू रिजल्ट्स। रिमेंबर, चिक्कू के सीड से मैंगो का पेड़ नहीं लगेगा, उसी तरीके से ऑर्डिनरी थॉट्स से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। प्लीज लिसन टू डॉक्टर वेन डायर, दीपक चोपड़ा, संदीप महेश्वरी। Thank you for coming on to Edify TV. Please subscribe to us and start watching Edify TV regularly. In fact, the intention of Edify TV is to give you new thoughts to have a better life. If you're struggling anywhere in the aspects of love, health, wealth, or career, somewhere thoughts related to these aspects are not good. You have to work on those thoughts. If you work on the thoughts, if you change the thoughts, if you transform the thoughts, your part of life will change, will transform for good. So our request is, as you sow, so shall you reap. Sow extraordinary thoughts to get extraordinary life. Thank you. Please go through the questionnaire and create an action list right now.